गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर चांद. सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट. जैसे कि हमने पहले देखा था, स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट चार पार्ट में डिवाइड होता है. डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, वेंट्रल और एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट एंड क्यूनोसेरेब्रल ट्रैक्ट एंड डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट. अब इनको हम डिटेल्स में आज की वीडियो में देखेंगे. सो, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये डायग्राम में कि पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट एंड एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, दे ट्रांसमिट अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन टू सेरेबेलम. दे रिसीव इनपुट फ्रॉम मसल, स्पिंडल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन एंड एक्सेट्रा. ओके, अब हम ओरिजिन देखेंगे. ये याद रखना कि डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट कहाँ से ओरिजिन होता है, तो फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटीज. ओके, एंड क्यूनोसेरेब्रल ट्रैक्ट एंड डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट कहाँ से होता है, तो फ्रॉम अपर एक्सट्रीमिटीज. अब हम फंक्शन देखेंगे स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट का. फंक्शन क्या होता है, वो कैरी प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सिस अराइजिंग इन लोअर पार्ट ऑफ बॉडी टू सेरेबेलम. नाउ डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट लोकेशन इज, इट इज़ प्रेजेंट इन लेटरल फ्यूनिकुलस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. अब कोर्स देखेंगे हम इसका, तो सबसे पहले हम इसका कोर्स इस डायग्राम से देखेंगे. यहाँ से प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन आएगी फ्रॉम मसल, स्पिंडल एंड गोल्गी टेंडन ऑर्गन. ओके, यहाँ से वो क्लार्क न्यूक्लियस पर जाएगी. क्लार्क न्यूक्लियस किसके बीच में होता है, C8 to L3 के बीच में. फिर यहाँ से वो एसेंड करेंगे एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट के थ्रू वो मेड्यूला में जाएंगे एंड मेड्यूला में इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल में टर्मिनेट होकर वो सेरेबेलम में जाएंगे. सो दिस इज अ पाथवे. अब हम इसे थियरी में देखेंगे. तो थियरी में देखो, प्रोप्रोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मसल, स्पिंडल एंड गोल्गी टेंडन ऑर्गन एंटर स्पाइनल कॉर्ड. देन दे एसेंड एंड टर्मिनेट इन स्पेशल न्यूक्लियस, दैट इज क्लार्क न्यूक्लियस प्रेजेंट बिटवीन C8 to L3. नाउ फाइबर्स देन ट्रैवल इन पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम. देन इन डॉर्सल मेडुला, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल फाइबर्स ट्रैवल थ्रू इन्फीरियर सेरेब्रलर पेडंकल टू इप्सिलेटरल सेरेबेलम. अब हमने जैसे देखा कि क्लार्क न्यूक्लियस किसके बीच में होता है, तो C8 to L3. तो C8 to L3 का तो पाथ में हमें पता है डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रलर ट्रैक्ट है, लेकिन L3 के नीचे और C8 के ऊपर क्या होगा, तो L3 के नीचे क्या होता है, फाइबर्स हैव टू एसेंड अपवर्ड एंड अटैच टू L3 एंड द फर्दर पाथवे इज सेम. अब हम टर्मिनेशन का देखेंगे. तो डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट कहाँ पे टर्मिनेट होता है, तो इट टर्मिनेट इन कॉर्टेक्स ऑफ एंटीरियर लॉब ऑफ सेरेबेलम. ओके, और इस पाथवे को हम अनक्रॉस्ड पाथवे कहते हैं, क्योंकि आप फिगर में जब देखोगे उसने एक बार भी मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया, इसलिए उसे हम अनक्रॉस्ड पाथवे कहते हैं. अब इसका फंक्शन देखें तो इट कैरीज नॉन सेंसरी इम्पल्सिस और सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन. ओके, अब इसका लीजन, इफेक्ट ऑफ लीजन, अगर इस पाथवे में लीजन हुआ, ओके, तो इसने एक बार भी मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसमें लीजन हुआ तो यूनिलैटरल लॉस ऑफ सेंसेशन होगा. किस साइड होगा, वही सेम साइड पे जिस साइड पे लीजन हुआ, क्योंकि इसने एक बार भी क्रॉस नहीं किया मिड लाइन को. इसलिए अब हमने L3 का नीचे का देखा, C8 to L3 का भी देख लिया. अबो C8 क्या होगा, तो उस पाथवे को हम कहते हैं क्यूनोसेरेब्रलर ट्रैक्ट. ओके, अब इसका फंक्शन क्या है, हमने आगे भी पढ़ा था कि ये क्या करता है, प्रोप्रोसेप्टिव इम्पल्सिस लाता है अपर लिम से, और डॉर्सल और वेंट्रल कहाँ से लाते हैं, लोअर लिम से, और क्यूनोसेरेब्रलर एंड रोस्टल कहाँ से लाते हैं, अपर लिम से. ओके, तो ये भी अपर लिम से ही लाएगा प्रोप्रोसेप्शन इम्पल्सिस. अब इसका कोर्स हम देखेंगे, तो इस डायग्राम में देखो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इसमें प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन हुआ, एंटर हुआ स्पाइनल कॉर्ड में, इसके बाद वो ऊपर एसेंड करेगा और टर्मिनेट होगा एसेसरिक यूनिट न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है मेडुला में. ओके, वहाँ से वो जाएगा इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल और वहाँ से सेरेबेलम में जाएगा. सो, जो फाइबर्स है वो टर्मिनेट होगी सेरेबेलम में थ्रू इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल. अब इसे थियरी में देखेंगे तो देखो, कोर्स, सेंट्रल प्रोसेस ऑफ सम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम अबव C8 रीच एसेसरिक यूनिट न्यूक्लियस इन मेडुला. नाउ सेंट्रल प्रोसेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन लोकेटेड इन एसेसरिक यूनिट न्यूक्लियस फ्रॉम क्यूनोसेरेब्रलर ट्रैक्ट. देन इट एंटर्स
in inferior cerebellar peduncle of same side and therefore it reaches cerebellum. इस पाथवे में भी एक बार भी क्रॉस नहीं की मिड लाइन, ओके फाइबर्स ने. अब हम तीसरा देखेंगे वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट. तो इसका लोकेशन हम देखेंगे तो ये कहाँ पे होता है, लेटरल वाइट फ्यूनिकुलस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, ओके. अब इसका कोर्स हम देखें तो सबसे पहले है ना हमें इसका एक डिफरेंस देखना है डॉर्सल और वेंट्रल का. तो इस डायग्राम से देखो, देखो ये वाला जो है वो कौन सा है, डॉर्सल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ओके. और इसने एक बार भी क्रॉस नहीं की मिड लाइन. ये ग्रीन वाला जो है वो कौन सा है, डॉर्सल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट. तो इसने एक बार भी क्रॉस नहीं की मिड लाइन. और वो किसके थ्रू सेरेबेलर कॉर्टेक्स में जाता है, तो इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू, ओके. लेकिन डिफरेंस क्या होता है वेंट्रल में, वेंट्रल पास होता है, एंटर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, फिर वो मिड लाइन क्रॉस करता है, मिड लाइन में क्रॉस करके वो सेरेबेलम में जाता है, पर किसके थ्रू, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू, ओके. तो ये डिफरेंस है इनके बीच में. अब हम थियरी में देखेंगे तो देखो, प्रोप्रोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन एंटर द स्पाइनल कॉर्ड, साइनेप्स ऑन स्पाइनल बॉर्डर सेल्स. अब स्पाइनल बॉर्डर सेल पे क्या होता है कि दूसरी इन्फॉर्मेशन भी आती है, कहाँ से, तो डिसेंडिंग मोटर, देन फाइबर्स क्रॉस द मिड लाइन, देन इट ट्रैवल एज अ एंटीरियर स्पाइनोसेरेबल ट्रैक्ट एंड एंटीरियर स्पाइनोसेरेबल ट्रैक्ट फाइबर्स एंटर सेरेबेलम वाया सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, देन दे क्रॉस मिड लाइन अगेन एंड प्रोजेक्ट टू एंटीरियर लॉब. देख इसका फंक्शन, इट कैरीज नॉन सेंसरी इम्पल्सिस, इफेक्ट ऑफ लीजन. अब इसने मिड लाइन को क्रॉस किया तो अगर जिस साइड लीजन होगा उसके ऑपोजिट साइड लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, ओके. इस डायग्राम में देखो, इसने एक बार इधर मिड लाइन को क्रॉस किया है और एक बार इधर मिड लाइन को क्रॉस किया है, तो दो बार किया, लेकिन जहाँ से हमने भेजा था उसी साइड के सेरेबेलम को इन्फॉर्मेशन पहुँची, ओके. तो ये ध्यान में रखना. फिर फोर्थ पार्ट, रोस्टल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, इसका ओरिजिन. तो हमने आगे ही देखा था कि अपर लिम्स होता है रोस्टल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट. तो इसमें अराइज फ्रॉम स्पाइनल ग्रे मैटर इन लोअर फोर सर्वाइकल सेगमेंट्स फ्रॉम न्यूरॉन्स विच कंस्टिट्यूट न्यूक्लियस सेंट्रोबेसलिस. अब इसका कोर्स देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा इसकी तरह वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक ही होगा कि इसने एक बार भी मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया. देखो इस थियरी में, कोर्स मोस्ट ऑफ द फाइबर्स ऑफ दिस ट्रैक्ट आर अनक्रॉस्ड, प्रोप्रोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन एंटर स्पाइनल कॉर्ड, इट साइनप्स ऑन स्पाइनल बॉर्डर सेल लोकेटेड इन एंटीरियर लेटरल बॉर्डर ऑफ एंटीरियर हॉर्न, इट ऑल्सो रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्ट्स. नाउ फ्रॉम दिस फाइबर्स देन ट्रैवल अनक्रॉस्ड एज रोस्टल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट एंड रोस्टल स्पाइनोसेरेबेलर फाइबर्स एंटर सेरेबेलम वाया सुपीरियर सेरेबेलम सेरेबेलर पेडंकल. अब जो अनक्रॉस फाइबर्स है वो कहाँ जाएंगे, तो एंटीरियर लोब ऑफ स्पाइनो सेरेबेलम. फंक्शन हम इसका बाद में देखते हैं. अब ये डायग्राम में देखो, हमने आगे देखा था वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, उसने दो बार मिड लाइन को क्रॉस किया था, लेकिन रोस्टल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, एक तो ये अपर लिम से आया है, दूसरा उसने एक बार भी मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया, ऊपर सेम टू सेम उस सेम वे में ही जा रहा है, मतलब इप्सिलेटरल साइड में ही जा रहा है. यहाँ आप देख सकते हो कि एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट उसने दो बार मिड लाइन को क्रॉस किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ओके. फिर दिस इज पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, this is rostral spinocerebellar tract which is also not crossing the midline, okay. Now let's discuss function. So cuneocerebellar tract or rostral spinocerebellar tract, cuneocerebellar tract jo hota hai na wo almost same hota hai uske dorsal spinocerebellar tract ke, lekin difference kya hota hai ki wo upper limb se hota hai, isliye hum use kya kehte hain, it may be regarded as the four limb equivalent of dorsal spinocerebellar tract. एंड रोस्टल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट भी ऑलमोस्ट किसके सेम होता है, तो वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट के. सो दिस पाथवे इज रिगार्डेड फंक्शनली एज अ फोर लिम इक्वेलेंट ऑफ वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट. एंड क्यूनोसेरेबेलर ट्रैक्ट किसके ऑलमोस्ट सेम होता है, तो डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, ओके. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो.